बड़ी दुख के साथ आज मैं पीसी कर रही हूँ एक महिला होने के नाते कि आज जो झारखंड राज्य में बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, वही दरिंदे खुलेआम घूम रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ हजारीबाग की घटना, चरही की घटना, कि जहाँ एक विवाहिता के साथ में घर में घुस करके दुष्कर्म किया जाता है और तब जब पीड़िता विरोध करती है तो उनको खटिया में बांध करके जलाया जाता है। पीड़िता को इलाज के लिए रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया था और आपके समाचार पत्रों के अनुसार, सोशल मीडिया के अनुसार, डॉक्टर एम सरावगी के वर्ण वार्ड में उस पीड़िता का इलाज चल रहा था और चिकित्सकों के अनुसार उस महिला का को जलाया गया है तो लगभग वो 60-65% जल चुकी है। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि हजारीबाग की इस घटना में अगर हजारीबाग की पुलिस प्रशासन की बात करूं तो पूरी तरह से वो मौन है। रांची के रिम्स में इलाजरत उस पीड़िता को वर्ण वार्ड से हटाकर कहीं और भेज दिया गया है। डर यह है यहाँ की सरकार से, हेमंत सोरेन की सरकार से, कि कहीं उनका खतियानी यात्रा इस पीड़िता के कारण प्रभावित ना हो, इसके लिए वो डर रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री के पास कानून व्यवस्था, गृह विभाग है और आज तक माननीय मुख्यमंत्री ने इस प्रकार की बेटियों के साथ हो रहे घटना से, दुष्कर्म से, या काट डाल रहे हो, जला डाल रहे हो, इस पर कोई जवाब मुख्यमंत्री नहीं दे रहे हैं। मैं राज्य के मुख्यमंत्री, जो आपके, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका कानून व्यवस्था क्यों फेल है, इसके प्रति जिम्मेदार कौन है? सीएम साहब जी, आपको तो जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप बेटियों के साथ हो रहे घटना से दूर भाग नहीं सकते हैं। झारखंड की बेटियों के साथ कब तक ऐसी घटना घटती रहेगी? क्या पुलिस प्रशासन का काम नहीं है कि घटना को रोकना चाहिए? लेकिन आज झारखंड में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से इस तरह की घटना को रोकने में विफल हैं। क्या राज्य सरकार के इशारे पर ये काम कर रहे हैं कि ऐसी घटना हो और आप मौन रहे? धिक्कार है इसी सरकार पर जिन्होंने पूरे राजकाज में एक बहसी दरिंदों से बेटियों का घर के अंदर भी और घर के बाहर भी असुरक्षित महसूस कर रही हैं। मैं राज्य सरकार से पूछना चाहती हूँ, क्या आप पीड़ितों को या पीड़िता जो बहन है उनको आपने न्याय दिलाया? मुख्यमंत्री जी, आप कब तक इन दरिंदों को पकड़ करके सलाखों के पीछे ले जाएंगे और उनको जेल भेजेंगे? क्योंकि आपने तो कभी बेटियों के प्रति, बेटियों के हित में नहीं बोला है, चाहे वो दुमका कांड हो या साहेबगंज की घटना हो या रांची तुप्पूदाना में जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ हो। यही नहीं, आपका जैसे 3 साल कालखंड पूरा हुआ और उस 3 साल के कालखंड में 3,000 से अधिक बहनों के साथ में रेप होता है, उनको काटा जाता है, उनको जलाया जाता है, लेकिन आप कुछ बोले ही नहीं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अपराधी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे कब भेजेंगे? साथ ही मैं आपको यह जानकारी दी जाए, आप जानकारी दें मुख्यमंत्री जी, कि रिम्स के वर्ण वार्ड में
हजारीबाग की बहन को था, उनको किस जगह पर रखा गया है या किस अस्पताल में रखा गया। मैं मिलने जाना चाह रही थी तो पता चला कि वर्ण वार्ड में अब वो नहीं है। तो मैं मुख्यमंत्री से मांग करती हूँ कि उस बहन को बचाइए और बताइए कि किस जगह पर उनको रखा गया है ताकि उनकी जान बच सके। तो ऐसी सरकार जिन्होंने आज समाज के सामने बेटियों के मुंह में तमाचा, माताओं का इज्जत आवरू लूटी जा रही है और शांत बैठे हैं, इसके लिए आज हमने पीसी किया है। सरकार इस मामले को, मैंने आपको कहा कि उनका खतियानी यात्रा चल रहा है, तो इस मामला को दबा करके खतियानी यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि उनका खतियानी यात्रा किसी तरह से प्रभावित ना हो। आपको ध्यान होगा कि महिलाएं हर जगह सड़कों पर उतर रही है, परिजन के साथ में समाज के लोग निकल रहे हैं, उनको सुरक्षा दिलाने के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी भी बहनों के साथ में न्याय नहीं मिला। कोई भी दरिंदे को सलाखों के पीछे भेज नहीं पाए और जिनको भी भेजा तो दिखावा था। मैं इतना कहना चाहती हूँ, बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं आज कल की घटना जो हजारीबाग में हुई उनकी बात कर रही हूँ, दुमका में हुए उनकी बात कर रही हूँ, आप साहेबगंज में हुए उनकी बात कर रही हूँ, संध्या तोपनो जिनको एक्सीडेंट किया गया उनका भी कोई आज तक निर्णय नहीं आया। कल आपने देखा एक अपना यहाँ के पालकोट का घटना, जिनको मारा जाता है, उनका सर को तोड़ दिया जाता है, आज भी वो मेडिका में एडमिट है। ऐसे कई घटना, चाहे यहाँ का पुरुष हो या महिला हो, लेकिन विशेषकर जो महिला बहनें, चाहे कोई भी समाज की महिला है, हर महिला अपने आप को डर महसूस कर रही है, वो सोचती है घर से निकलने से पहले कि लौटने के लिए क्या हो, मैं सही से लौट पाऊंगी या नहीं। इस तरह का जंगल राज में सभी बेटियां भय में हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।